मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरा हर महीने का भाड़ा क्लियर है, उसके बाद भी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका GRL न्यूज में। शहर की खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद। शॉप खाली करने की धमकी एक महिला को दे रहे हैं। ANC की पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ये गुंडे हैं या कार्यकर्ता? क्या ANC की पार्टी अपने कार्यकर्ता को गुंडागर्दी करना सिखाते हैं या विकास करना? मैं जानवी हरचंदानी, मैं भी एक ANC पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे शॉप पे ही ANC के लोग हरदीप और चरण सिंह और तमन्ना भाटिया और दूसरे लोग आए हुए हैं और मुझे ज़बरदस्ती मारपीट की जा रही है, मुझे दुकान खाली करने की धमकी जा रही है, दी जा रही है, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरा हर महीने का भाड़ा क्लियर है, उसके बाद भी ये लोग मेरे साथ दादागिरी कर रहे हैं। तो क्या सब ANC पार्टी के कार्यकर्ता सो रहे हैं अपने शहर में? एक लेडी के ऊपर रात को 1 बजे ऐसे अत्याचार हो रहा है, 1.5 घंटे से जेंट्स मेरे सलोन के बाहर खड़े करके हंगामा कर रहे हैं, लेडीज आई हुई हैं। तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ प्रशासन में मेरी मदद करें। आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ये जो आप बोल रहे हैं ना, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसे गलत बातें मत बोलो किसी के लिए। इस तरह से हमारे यहाँ पर गुंडागर्दी हो रही है। ऐसे बैठ रहे हो ये टाइम पे? हमारे ये कोई टाइम नहीं है, बैठ सकते आप? ऐसे बैठ नहीं सकते हो जबरदस्ती मेरे यहाँ पर? मेरा ये शॉप लिया हुआ है रेंट पे, आपको किसने हक दिया अंदर बैठने का? शॉप हमारा रेंट पे लिया हुआ है। हाँ, तो आप ये ओनर आप नहीं हो यहाँ के, और आप ये टाइम नहीं है मेरे सलोन में आके आप बैठ रहे हो? हाँ, रात को 12:30 बजे आप मेरे सलोन में आके कैसे बैठ रहे? हमारा खुद का सलोन है, आपका सलोन नहीं। अरे तो मैंने लिया हुआ है रेंट पे, आप ऐसे कैसे आ रहे हो मेरे सलोन में इतनी लेट नाइट? हाँ, ये 12:30 बजे 1 बजे? अरे झूठ मत बोलो, बदतमीजी मत करो मेरे से, मुझे जान बड़की जान से मारने की धमकी मत दो, मुझे डराओ मत। सर रात के 1 बजे ये मेरे शॉप के बाहर खड़े हैं और मुझे टॉर्चर कर रहे हैं कि दुकान खाली कर, मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मेरे जान को खतरा है, मुझे पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है, मुझे पुलिस प्रशासन से हेल्प चाहिए। मैं अकेली लेडीज हूँ, रात को 1 बजे ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखिए हमारे शहर की हालत है ये, जहाँ पर एक लेडीज को ऐसे तंग किया जा रहा है, मेरी जान को खतरा है, मुझे हेल्प चाहिए। मेरे शॉप पे हूँ, मुझे पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है, मुझे दुकान मालिक परेशान कर रहा है, वो 15 से 20 लोग लेके आया है, गुंडे लेके आया है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मेरे सामानों को बाहर निकाल के फेंक देंगे, ऐसी तक धमकी दी जा रही है। मेरा हर महीने का रेंट क्लियर है, ऊपर लीकेज का प्रॉब्लम है, वो लीकेज का प्रॉब्लम है उनको भलाने के लिए बोल रही हूँ, तो इसलिए मेरे ऊपर इतना सारा टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और मेरे जान को भी खतरा है, तो मुझे पुलिस का भी सहयोग नहीं मिल रहा है, पुलिस भी आके चली गई, ये मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे दुकान पे हम लोग ताला लगा देंगे, तुमको एंट्री नहीं देंगे, तो मैं हेल्प चाहती हूँ पुलिस वालों से। क्या बोल रहे हो? मैंने 5 महीने से रेंट नहीं दिया है, कितना झूठ बोल रहे हो? हरदीप मुझे बोला है कि मुझे मेरे बाल पकड़ के मुझे दुकान से निकालेगा। मैं अभी अपने शॉप के बाहर हूँ, मैं रात को अपना पर्स अंदर भूल गई थी, उसमें काफ़ी कैश पड़ा हुआ है, अभी मैं वो पर्स लेने आई हूँ अर्ली मॉर्निंग, तो वो लोग अपना लॉक लगा के गए हैं, ये पूरा गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पर। प्लीज़ मुझे कोई हेल्प करिए, मुझे सजेस्ट करिए कि आगे मुझे क्या स्टेप उठाना चाहिए। ये मेरा लॉक है, एंड ये बाजू से जहाँ से लॉक नहीं होता, बहुत ही जाम हो गया है, वहाँ पर वो अपनी चैन बांध के लॉक करके गए हैं, तो ये तो सरासर गुंडागर्दी है।
मेरा पूरा रेंट दिया हुआ है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, उसके बाद भी ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। सिर्फ सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।